कंप्लीट पारिवारिक फिल्म है। और इससे पहले सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को कोटि कोटि प्रणाम, और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं और जो हम लोगों को प्यार दे रहे हैं, उन सभी को कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम। जैसा कि आपने बताया पारिवारिक पिक्चर है, पारिवारिक बहुत सारी पिक्चर आई, आपकी पिक्चर किस तरह से अलग होगी? ये कंप्लीट एक पारिवारिक फिल्म है जिसमें आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, और एक माता पिता और एक फैमिली के रिलेशन, अपने बीच में फैमिली के रिलेशन एक दूसरे से कैसे होते हैं, भाई का भाई से, बच्चों का माँ बाप से, इस बेस पे ये आधारित है फिल्म। जैसे कि ये पारिवारिक पिक्चर है आप बता रहे हैं, तो इसमें किस तरह का संगीत दिया जाएगा? संगीत बहुत ही मधुर और प्रिय है। इसके संगीतकार हैं जेपी बाबा, राइटर प्रदीप राज जी हैं, और अमित जी हैं, और राकेश मिश्रा जी हैं। स्टोरी लिखा राकेश मिश्रा ने। सर कलाकारों के बारे में बताइए, सर कौन कौन से कलाकार हैं? कलाकार में रोहित राज यादव जिनका ये इश्क बड़ा बेदर्दी जिसमें हम लोगों को चार अभी अवार्ड मिला था भोजपुरी फिल्म अवार्ड में, वो है लीड, और मेरे भाई और राधे भाई, राधे श्याम गौड़ जो मेरे बड़े प्रिय में से है, वो है दो हीरो, और भी बहुत सारे कलाकार हैं इसमें, और हमारे साथ में बैठे हैं भगवान पांडे जी, इनका बहुत बड़ा हमारी हूँ भगवान ही है ये हमारे लिए, तो ये इसमें कादर खान वाली भूमिका को निभाएंगे उस कॉमेडी करेक्टर को। और सबसे पहले आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, मैं मिला दूँ इनसे जहाँ मैं साथ में बैठा हूँ, आप हैं सुभाष आर दुरकर जी जिन्होंने बनाई थी अंकुश, इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना, नाना पाटेकर जी की फिल्म, वो उसके प्रोड्यूसर आप हैं, और आप हैं चंद्रभूषण तिवारी जी इस फिल्म के को प्रोड्यूसर, और आप हैं राम कुमार जी जो साथ में आर्टिस्ट हैं, और इसके बाद मेरे बाद आप लोग शायद दिलीप भाई, राधे भाई और बाकी जो आर्टिस्ट क्रू मेंबर हैं उसको सुनेंगे, और इस फिल्म का जो आपने संगीत जहाँ से किया आपको, म्यूजिक डायरेक्टर का भी हमारा इंटरव्यू है वो भी आप देखेंगे, बड़े मज़ेदार म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो, और सारी टीम जो है मेरी, और इसमें मेरे जो इंजीनियर्स हैं पूरे यंग टीम है, क्योंकि हमारा होम प्रोडक्शन की टीम है, और हम लोगों की टीम में कम से कम 6 साउंड इंजीनियर हैं और 7 एडिटर्स हैं, और जिसमें कि मैं बहुत आभारी हूँ बच्चों का जो मेरे साथ में टीम में है, रंजीत है अपना, अजय यादव है, सोनू है, और किशन है, मतलब ये पूरी यंग टीम भरी हुई है, जो पूरी टीम जो आप लोगों को एंटरटेन करेगी, और यंग टीम के साथ काम कर रहा हूँ, और आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। और संगीत का जहाँ तक ये है कि आज हम लोगों का गाने की रिकॉर्डिंग के साथ ही ये मुहूर्त हुआ है, और गाने के बोल थे, हमरा माई जैसन दुनिया में केहू नहीं पा, हमरा माई जैसन दुनिया में केहू नहीं बा, उ अभागा हुई जेकरा के माई नहीं बा, उ अभागा हुई जेकरा के माई नहीं बा। और आज के हीरो तो हमारे राकेश तिवारी जी हैं जिन्होंने ये गाना गाया है। मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ, और अब ये उनके इंटरव्यू में भी आप लोग ये गाने को सुन सकते हैं, जो जिस गाने से हम लोगों ने ये इस फिल्म की शुरुआत की है। जी शूट कब से स्टार्ट होगा सर? 4 फरवरी से सर फिल्म शुरू हो जाए। सर आप अपने कैरेक्टर मेरे को दे दिया, इन्होंने इन्होंने मेरा एक वीडियो देखा था, इनको वीडियो बहुत पसंद आया था, इन्होंने मुझे कॉल किया कि पांडे जी ये रोल तो आप ही करेंगे, और मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे चैलेंजिंग वाला रोल दिया हुआ है, और मैं बहुत अच्छे से करूँगा और बहुत अच्छे तरह से निभाऊंगा। सर आपने अंकुश पिक्चर की है, वो हिंदी पिक्चर है, बहुत पॉपुलर है, और ये भोजपुरी और हिंदी में किस तरह से आपका आना हुआ? राम जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, दोस्त हैं, और ये बहुत अच्छे डायरेक्टर, राइटर, एडिटर सब कुछ है, बहुत मेहनती आदमी है, 2-4 फिल्में मेरी इन्होंने एडिट की है, और मैं इनके पास मेरा टेक्निकल जॉब हर फिल्म का करता हूँ। एक भोजपुरी फिल्म मैंने भी बनाई थी, उसका भी काम इन्होंने पूरा कर दिया है, तो इस तरीके से ये यंग है, और मुझे पूरी उम्मीद है ये बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे। जैसे म्यूजिक की अभी लाइन सुनी हमने गाने की, बहुत ही मेलोडियस लगा है,
आई विश ऑल द बेस्ट टू दिस प्रोजेक्ट। स्वर्ग से सुंदर बहुत अच्छी फिल्म है, पूरे टीम को मैं बधाई देता हूं। और अभी तक मैंने टीसरी से लगभग हजारों गीत गाए हैं, मेरे जीवन का पहला फिल्म है जो मैं फिल्मों में एंट्री लिया अपने गीतों के साथ में। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं एक ऐसा सिंगर हूं भोजपुरी संस्कृति संस्कार में, मैंने 2008-09 से मैं गा रहा हूं, कभी मैंने अश्लील गीत नहीं गाए। और जब मुझे राम भाई ने फोन किया, तिवारी जी ने फोन किया, राकेश जी गाना है, तो मैं फिल्मों से दूर ही रहा क्योंकि मेंटली मेरा यही देखता था लोग आइटम गंदे गीतों को गा रहे हैं, उसका मेरा अलग विधा ही था गाने का। तो मैंने टाइटल सुना और टाइटल में मेरा गाया हुआ गीत, एक्चुअली मैं इस गीत को 2005 या 2006 में मेरी माँ नहीं थी और मेरी माँ ऑफ हो गई बचपन में, तो उस गीत को मैं गाया, तो इस गीत को इन्होंने लिया, मुझे बहुत खुशी है। और एल्बम में अभी मैं गाता रहा, कई गीत मेरे मार्केट में अच्छे चल भी रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। और पूरे टीम को मैं बधाई देना देना चाहता हूँ। और आने वाले जनरेशन, आने वाला भोजपुरी फिल्म, इस फिल्म के बाद लोगों का यही चाहत रहेगा कि हर फिल्मों में पारिवारिक गीत हो और लोग ऐसे ही अच्छे गीतों को सुने। और खास करके पूरे टीम को मैं बधाई देते हुए, मीडिया के जितने भी आप लोग हैं, आप लोग का भी अभिनंदन करता हूँ। राकेश जी, आप एक गाना जो गाना गाए हैं, जी जी, थोड़ा सा उसकी दो लाइन गाते। हम रे माई जैसा, हम रे माई जैसा के केरो के माई नहीं बा, ओ अभागा होई जेकरा के माई नहीं बा, गोदिया खिलावे माई हमें दुलरावे, गाई गाई लोरिया उ हमके सुतावे, माई के लोरी जैसा हो, माई के लोरी जैसा कौनो अर सहनाई नहीं बा, तू अभागा होई जिकरा के माई नहीं बा, उकरे दूधवा जैसन कौनो मिठाई नहीं बा। गायकी राम यादव यादव जी हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उनके साथ एक पिक्चर किया, बहुत पिक्चर अच्छी चली पिक्चर, और सौर से सुंदर बहुत अच्छी पिक्चर बनेगी। हाँ, एक्शन तीन एक्शन है और बीच वजह से एक्शन करेंगे हम लोग, अच्छा से करेंगे उसका। नमस्कार तमाम श्रोता लोग जो देख रहे हैं मुझे, मेरा नाम साहब लाल धारी है। फिल्म का नाम, जिस मुहूर्त में हम लोग आए हैं, फिल्म का नाम है स्वर्ग से सुंदर। तो ये फिल्म का नाम देख करके ही लग रहा है कि नहीं, फिल्म बहुत सुंदर बनने वाली है। और इसके डायरेक्टर हमारे परम आदरणीय राम यादव जी हैं, जो मैं फिल्म में किए थे इश्क बड़ा बेदर्दी है, ये फिल्म बहुत अच्छी चली और अभी YouTube पे आई है और वो एक हफ्ते में 10 लाख से ज़्यादा उसका व्यू हो चुका है। बहुत अच्छी फिल्म बनाए हैं, तो उसमें मैं हीरो के दोस्त का रोल किया था, लतौर का करेक्टर था मेरा, रानी चटर्जी थी उसमें मेरे साथ और रोहित राज जी थे। बहुत अच्छी फिल्म बनी। तो इस फिल्म में भी शायद मैं अभी तो कुछ कह नहीं सकता, एक घंटे के बाद मैं बता सकता हूँ कि इस फिल्म में मैं हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन कोशिश ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं इस फिल्म में हूँ। और बड़ी अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी कहानी है, स्वर्ग से सुंदर नाम ही काफ़ी है, बाकी तो आप लोग जानते हैं। सर, इस फिल्म में आपका क्या कार्यक्रम है? और हमारे मीडिया के लोगों को शुभ आशीर्वाद, प्रणाम, धन्यवाद, आशीर्वाद यथा योग्य। मैं इस फिल्म में स्वर्ग से सुंदर में राम जी, राम भाई ने मुझे बुलाया, मैं उनका आभारी हूँ। और कुछ चंद रोज पहले हमारी उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि उनका जो असिस्टेंट है रंजीत राणा, उसके साथ मैंने 2 फिल्में की हुई है, उसी से मुलाकात हुई और बड़े प्रभावित हुआ। हालांकि आप लोगों की दुआ से पहचान का मोहताज नहीं हूँ, तो राम भाई बहुत प्रभावित हुए और बोले भैया काम करना है। अब चूंकि जैसा कि लालधारी ने बताया, ये और मैं एक ही जगह जा रहा हूँ गोरखपुर, कल जा रहा हूँ, ये परसों जा रहा हूँ, अब वहाँ से अब कैसे डेट का मैनेजमेंट हो, क्योंकि 2 फिल्में साथ में है वहीं पे, तो अब देखिए डेट मैनेजमेंट होता है कि नहीं। लेकिन जहाँ तक ख्याल है,
मैंने सुना है जैसा की कोशिश पूरा रहेगा कि हम लोग साथ में काम करें। और जैसा कि बताया लालधारी ने कि राम भाई बड़े अच्छे टेक्नीशियन है, अच्छी फिल्म बनाते हैं और खास तौर से इस फिल्म के बारे में स्वर्ग से सुंदर, तो ये मुझे लगता है कि जैसा टाइटल है वैसा इसका इसकी कहानी भी होगी और ये फिल्म पारिवारिक होगी। और राम जी हमारे दिलीप भाई जो इसके एक्शन मास्टर हैं भाई, इनके साथ तो मैंने अभी एक फिल्म किया था मैंने वीर अर्जुन, जो परसों फ्राइडे को रिलीज हुई है 24 तारीख को बिहार में, अच्छी जा रही है और इसमें इन्होंने मुझे जिंदा जला दिया का तेल छिड़क करके। भाई विलन की डिमांड थी ये कि जिंदा जला दो इसको। आज कैसे बोल रहे हैं आप? ये मास्टर जी का करिश्मा भाई, मेरा कुछ नहीं है। वो फिल्म भी काफी अच्छी चल रही है और मास्टर जी इसमें कर रहे हैं, इनकी भी फाइट बहुत अच्छी होती है, साफ सुथरी होती है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो बिल्कुल सेफ रहते हैं, इनकी बड़ी खासियत है। हमने बहुत पहले कई फिल्में की हुई है तो जहाँ कुछ देखते देखते कहें भैया आप जरा ये आप इसको ऐसे कर लेंगे आप, हमको वाह मास्टर जी वाह भाई कमाल की इनकी भी टेक्निक है फाइटिंग की। तो मैं राम भाई को और इनके प्रोड्यूसर को सबको तहे दिल से धन्यवाद, शुभकामना, आशीर्वाद और ईश्वर से प्रार्थना कि फिल्म जैसा नाम इसका स्वर्ग सुंदर, इसी तरह अच्छी फिल्म बने, अच्छे रिजल्ट दे, अच्छी कामयाबी मिले और सभी दर्शकों का जयप्रकाश सिंह का को जयप्रकाश सिंह का नमस्कार, प्रणाम, शुभाशीर्वाद यथायोग्य, धन्यवाद। मैं ये स्वर्ग से सुंदर काशी जो बन रही है फिल्म इसके बारे में बताऊँ, आजकल के जो फिल्में आ रहे हैं ये सिर्फ खाली एक प्यार पे निर्भर कर रहे हैं लोग, लड़का लड़की है और वो देख रहे हैं लोग, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो फिल्म को देख रहे हैं, बड़े टेंशन में देख रहे हैं कि अब इसके बाद क्या होने वाला है, तो परिवार साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं। तो मैं अपने अंदाज में बताऊँ, जो लड़के देख रहे हैं वो पूरे मोमेंट में देख रहे हैं, वो देखने का तरीका ऐसे है, वो देखते कैसे ऐसे यानी रोमांटिक सीन हो रहा है, लेकिन जब ये स्वर्ग से सुंदर काशी जो फिल्म बनेगी इसको लोग परिवार बैठ कैसे देखेंगे? ब्यूटीफुल। हाँ, ये परिवार के बैठ के देखने लायक फिल्म है स्वर्ग से सुंदर काशी। अच्छा, जब वो बच्चे जब देखेंगे तो आपके अंदाज में कैसे बोले, कैसे तारीफ करेंगे? दीदी पापा भैया अपने को बढ़िया बना रहे हैं, क्या पिक्चर चीजें हैं। रामचंद्र सर कुछ भी बुलवा लेते हैं और मैं बोल भी देता हूँ, पागल टाइप का आदमी हूँ, एक दिन और कुछ बुलवा लिए थे लेकिन आप माफी भी मांगे कि उसको कहीं डाल दिएगा नहीं, ये विजुअल लेते हैं खाली। तो धन्यवाद भाई, हमारे मीडिया के लोगों को सहर्ष धन्यवाद, दुआ प्रार्थना सब ईश्वर से कि आप लोग इसी तरह तंदुरुस्त, आपके हौसले बुलंद रहे। मेरा नाम प्रदीप राज है और मैं गीतकार हूँ इस फिल्म का, हमारे लिखे हुए गाने इस फिल्म में। कितने गाने लिखे सर आपने इसके? अभी तो 4-5 हो गया। कैसा गाना है, मूड क्या है गाने? मूड सब अच्छा गाना है जो आज के माहौल में होना चाहिए और फैमिली सब सॉन्ग है जो कि हर घर में बच्चे बूढ़े जवान सब सुन सकते हैं घर में बैठ के एक साथ, वैसा गाना है। और जो पुराने ज़माने के गाना बनते थे उसी अपने भोजपुरी माटी के जो सुगंध है प्योर जो होता है भोजपुरी में, उस तरह से हम लोग इस फिल्म में निखार के लाए हैं और लोगों को बहुत पसंद आएगा। कौन सा सिंगर से गाने वाले सब कोई याद है, कुछ आइडिया है आज कौन सा सिंगर गाना गा रहे हैं? अभी तो एक सिंगर है बहुत टी सीरीज के बहुत सारे अच्छे सिंगर हैं लेकिन उनका नाम अभी जो डब किया है राकेश तिवारी जी हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं वो, उन्होंने गाया बहुत अच्छा गाया। बाकी सब सिंगर मार्केट के भी हैं और हमारे जेपी बाबा ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ये भी एक दो गाने खुद गा रहे हैं और बहुत प्यारा म्यूजिक बनाया इन्होंने, लोगों को बहुत पसंद आएगा। गाना इसमें बहुत ही अच्छा है और जितने भी गाने हैं उसको आदमी कहीं भी सुन सकता है अपने घर में लगाकर, एकदम बिल्कुल भोजपुरी का एकदम जो खाटी चीज़ है वही इस गाने में है। और इस फिल्म में बहुत ही अच्छा गाना का कंपोज इन्होंने किया और हम लोग म्यूजिक किए हैं और इसमें जो एक्टर हैं अपना भाई रोहित राज यादव जी, राधे जी और हमारे बड़े भाई डायरेक्टर राम यादव जी। और फिल्म स्वर्ग से सुंदर, इसका टाइटल ही ऐसा है कि पब्लिक को
खुद ही अच्छा लगेगा। और इसमें हमको म्यूजिक बजाने का मिला मौका और मैंने म्यूजिक किया और म्यूजिक करके हम खुद अभी अभी एक गाना का डबिंग हुआ हमरे माई जी सन दुनिया में कोई नहीं हुआ राकेश तिवारी जी का है बहुत अच्छा लगा भैया। सर जैसे भोजपुरी फिल्मों में आइटम सॉन्ग होता है तो कुछ इसमें भी नजर आने वाला है? ये आइटम सॉन्ग हम लोगों का रखने का इसमें प्लान नहीं है और एक आइटम सॉन्ग था तो हमारे बड़े भाई डायरेक्टर साहब बोले राम यादव जी की नहीं पारिवारिक फिल्म ड्रामा फिल्म है इसमें आइटम सॉन्ग नहीं चलेगा लव सॉन्ग है रोमांटिक सॉन्ग है और अपना पारिवारिक सॉन्ग। सर मैं मेरा नाम शत्रुघ्न मुदगल है मैं भोजपुरी में तो पहली बार ही काम कर रहा हूँ मैंने अभी तक हिंदी फिल्मों में ही काम किया है स्लमडॉग मिलेनियर से लेके मैंने 40-45 फिल्में की हैं सीरियल लाइन से काफ़ी सब टीवी के लगभग सभी सीरियल में मैं करता हूँ और राम भाई का बड़ा स्नेह है तो उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए बुलाया और जैसा कि बता रहे हैं ये लोग स्वच्छ सुंदर फिल्म है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ये फिल्म स्वच्छ सुंदर बने और बहुत नाम करे क्योंकि भोजपुरी फिल्मों में जो आपने पूछा कि एक आइटम नंबर इसमें आइटम नंबर नहीं तो आप सोच लीजिए कुछ ना कुछ तो अलग है जो इस फिल्म में सबको देखने को मिलेगा। अभी तक भोजपुरी में जो लोग देखते आए हैं ये भोजपुरी फिल्म में एक अलग मुकाम हासिल करने वाली फिल्म है जैसा मुझे पता है राम यादव जी ने बहुत सारी हिंदी फिल्मों में भी डायरेक्शन किया है और फाइट का मतलब राम जी तो राम जी हैं जैसे वो राम जी थे मल्टी टैलेंटेड ये भी राम भाई मल्टी टैलेंटेड है तो ये उनका एक नया फन आप लोगों को देखने का मिलेगा तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये फिल्म एक बड़ा मुकाम हासिल करे और सुपर हिट साबित हो। धन्यवाद। सर आपने वो कौन सी फिल्म की थी जिसमें ऑस्कर वगैरह? हाँ वही मैंने स्लम डॉग मिलियनेयर की थी जिसको 10 ऑस्कर मिले थे और हाल फिलहाल मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें सनी देओल के साथ मेरा एक सीन है करीब 8 लाख लोगों ने उसको शेयर भी किया है काफी अच्छा इस तरह चल रहा आप लोग देख रहे होंगे। काम किया रिकॉर्डिंग और साउंड स्टेशन पे मैं काम करता हूँ अभी 1 साल से मैं लगभग मुंबई में और ये फिल्म यहाँ पे जो स्टार्ट राम भैया ने की है बहुत ही अच्छी फिल्म है ये पारिवारिक फिल्म है और अपनी फैमिली में बैठ के मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं फिल्म को और बाकी के भैया बताएंगे। सर आप इस फिल्म से किस तरह जुड़े हैं? सबसे पहले मैं सभी भोजपुरी समाज को प्रणाम करता हूँ मैं जय यादव और ये भैया ने अभी जो फिल्म कर रहे हैं स्वर्ग से सुंदर बहुत ही अच्छी फिल्म है बहुत ही पारिवारिक फिल्म है और भैया ने इस फिल्म में मुझे चांस दिया तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा भैया के लिए। सर आप बताइए इस फिल्म से किस तरह जुड़े हैं? सर हमारा नाम पहले धर्मेंद्र साक्षी है ऑडियंस को प्रणाम है और हम एक आर्टिस्ट हैं और ये जो स्वर्ग से सुंदर फिल्म बनाई जा रही है ये बहुत अच्छी कहानी है इसको हम बैठ कर सुन रहे थे अंदर और इस पर वर्क बहुत अच्छा किया जा रहा है और बहुत अच्छे काम होंगे और एक पूरी फैमिली ड्रामा है और बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट है। ये फिल्म मेरा नाम सोनू है और भोजपुरी दर्शकों को नमस्कार और ये फिल्म बहुत अच्छी है और पारिवारिक फिल्म है जिससे दर्शकों को जोड़ के रखेगी और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं माँ से जुड़ी हैं बहुत इमोशनल भी है और बहुत अच्छी फिल्म। आपका क्या रोल रहेगा इसके अंदर? सबसे पहले आप सभी भोजपुरिया समाज के प्रणाम घोड़ चुके हैं नमस्कार करतनी हमारा नाम किशन गौड़ है हम यूपी गोरखपुर से और बात फिल्म के तो स्वर्ग से सुंदर सबसे अच्छा फिल्म है ये बहुत ही अच्छा है हमारे राम भैया ने इसको डायरेक्ट किया है और बहुत ही अच्छा फिल्म है इसके नाम से ही पता चलता है कि अच्छा पिक्चर है। स्वर्ग से सुंदर इस फिल्म में आप किस तरह से जुड़े हैं? आप लोगों को पहले कोटि कोटि प्रणाम। इस फिल्म के स्वर्ग से सुंदर इस फिल्म के नाम से ही बहुत अच्छा फील होता है और इसमें हमारे राम डायरेक्टर बहुत अच्छा इसको एडजस्ट कर देंगे और इनकी जो भी पिक्चर 190 दर्दी है बहुत अच्छी हमको पसंद आई है और ये भी पिक्चर बहुत अच्छी हो गई हमारी जो भी टीम है हम लोगों की एकदम अच्छे से इसका कलाकारी निभाएंगे। आपका क्या रोल रहेगा स्वर्ग से सुंदर? मेरा नाम सुमित है
मैं बिहार वैशाली जिला से हूँ और सर ये मूवी बहुत ही अच्छा है, ये एक पारिवारिक मूवी है और राम सनी से खुद ही ये कर रहे हैं। सर मेरा नाम हुआ बिट्टू कुमार वर्मा, मैं फ्रॉम झारखंड से बिलोंग करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट मेरा गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट हुआ। और आज रही इस फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म में एक ऐसा सी संस्कारिक चीज़ों के बारे में बताया गया और आज ये कोई भी इंसान कोई भी तरीके से चल के आगे बढ़ते वो चीज़ को आज इस फिल्म में दोहराया गया। इस फिल्म में आप किस तरह से जुड़े हैं? हमारे भैया राम भाई है, हमारे बड़े भाई की तरह है। स्वर्ग से सुंदर पिक्चर में उनके साथ मैं जुड़ा हूँ और उनके साथ ही जुड़ा रहूँगा। अच्छी पिक्चर है, पारिवारिक है, लोग इसे देखेंगे तो उनका दिल खुश हो जाएगा। आप बताइए स्वर्ग से सुंदर में आप किस तरह से जुड़े हैं? मैं राम सिंह उत्तर प्रदेश से। राम भैया के इस स्वर्ग से सुंदर फिल्म में हमारा एक किरदार है। इसमें हम भी जुड़ गए हैं, अब अभी तो रोल का हमारा ये हो रहा है कि किस तरह से है, फिर आगे जितना भी होगा हम लोग करेंगे इसमें। और स्वर्ग से सुंदर राम जी के अभी जो आ रहा है पिक्चर, उसके पहले भी हमने उनके साथ काम किया है और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट काम किया है, तो अभी चाहते हैं कि आगे फिर हम उनके साथ जुड़ करके रहें। आप बताइए आप स्वर्ग से सुंदर फिल्म में किस तरह से जुड़े हैं? हमारे बड़े भैया राम यादव जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, हमने भी उनके पास फिल्म किया है साथ में छोड़ो राजा, जो कि जल्द से जल्द रिलीज होने वाली है, तो इस प्रकार से हम जगह पे आए। स्वर्ग से सुंदर ये फिल्म जो हमारी है वो पूरी तरह से फैमिली ड्रामा है, जिसमें कोई फाइट्स मतलब ज़्यादा फाइट्स वगैरह कुछ नहीं, पूरा घरेलू, बहुत अच्छी स्टोरी है और मैं सबको बोलती हूँ कि सबको पसंद आएगी हमारी जो फिल्म है बहुत ही। और उसमें मेरा माँ का कैरेक्टर है जो लास्ट में मैं ऑफ होती हूँ तो सब लोग मुझे जलाने लेके जाते, पूरा क्रेडिट जो है मेरे ऊपर है, तो बहुत ही अच्छी है फिल्म। अब शूट हो रही है 4 तारीख से हमारी ये फिल्म जी। आप प्रोड्यूसर जी, कैसे आपको मिली कहानी, कैसे आप तक पहुँची? नहीं ऐसा है ना कि अभी हमेशा फाइट्स के वगैरह तो सब होते ही रहते, जो मार धाड़ ये सब, तो ये काफी दिनों से ऐसी फिल्म नहीं बनाई थी जो घरेलू ड्रामा हो, फैमिली ड्रामा हो, तो ऐसी काफी दिनों से नहीं बनाई थी। तो हम लोग ने स्वर्ग से सुंदर जो फिल्म है, क्या इस फिल्म को हिंदी पिक्चर जो बागवान अमिताभ के साथ कंपेयर किया जा सकता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी है और मैं तो कहती हूँ ना कि उससे भी बहुत बढ़िया हो जाएगी अगर सब लोग साथ दे रहे हैं तो, बहुत ही उससे उसी टच की है, मतलब उसी टच की है और बहुत बढ़िया बन जाएगी अभी फिल्म। बहुत सारे नए कलाकार हैं तो उनको लेकर क्या सुझाव चाहिए? हाँ जी देखिए ऐसा है ना कि अभी पुराने कलाकारों को तो हमेशा याद करते ही है लोग सब, मत कहीं ना कहीं दिखाई देते, अगर सब लोग ऐसे ही सोचने लगे कि पूरा मतलब जो फेमस है उन्हीं को ले, तो नए वाले को तो कुछ भी नहीं बचेगा उनके लिए फिर, तो इसीलिए हमने तय किया है ना कि सब इस बार सब फिल्म को, फिल्म में जो कैरेक्टर है वो सब नए हैं और हम साबित कर देंगे कि नए भी कोई पुराने से कम नहीं है। शूटिंग कब से स्टार्ट करने वाले हैं? मतलब 4 तारीख से फिल्म स्टार्ट कर रहे हैं मुंबई में। जी मुंबई में, मुंबई में। नमस्ते, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम दीपा मैडम को जानते हैं, तो ऐसे तो हम गुजराती फिल्म करते हैं और प्रॉपर गुजरात से, बट हमें भोजपुरी लैंग्वेज बहुत पसंद है, उनको सुनना वो लोग बोलते देखना, और पहले से ही मुझे ये फिल्म सर ने बताया था, राम सर ने, कि ये फिल्म है और इसमें सेकेंड लीड कैरेक्टर है, तो उसके लिए हमने सर ने हमको चुना, तो हम सर को भी थैंक यू बोलते हैं कि आगे ऐसे अच्छी अच्छी फिल्म बनाते रहे और ढेर सारे दर्शकों का प्यार मिले और हमारी ये फिल्म देखें। मैम राम यादव के बारे में क्या? हम लोग तारीफ करें उनकी, मैं क्या तारीफ, जितनी तारीफ करो उनकी उतनी कम है। बहुत से उन्होंने हिंदी भी फिल्म बहुत से बनाए, मतलब कुछ ना कुछ इसमें किया है, लेकिन अभी मैं तो तारीफ में खुद नहीं करूंगी क्योंकि सबको मालूम है राम यादव जी का जो शूट करते टाइम जो उनकी तैयारी जो करते हैं, वो जैसे कैरेक्टर को सामने से
समझाते हैं, वो कहीं डायरेक्टर ऐसा नहीं होगा कि इतना अच्छा से समझा दे। बहुत जब तक सामने वाले कैरेक्टर को मतलब समझ में नहीं आता है, उसी तरह रिटेक करके करके भी उनको जब तक उनको अच्छा नहीं लगता है शॉर्ट करते रहते हैं, और मुझे उन पे बहुत नाज है, बहुत नाज। मैम आप इस फिल्म में कितने? अनिता जायसवाल, राम यादव जी से पहली बार मिली हूँ मैं, और ये उनकी फिल्म में पहली बार मैं काम कर रही हूँ, और बस। तो रोल है आपका? हाँ सर, अभी तो मेरा बोले है करके कि आपका है, कौन सा रोल है अभी मुझे मालूम नहीं है, मगर है उन्हें। आप बताइए मैम। ऐसी मैं भाई मानती हूँ और अपने भाभी को आशीर्वाद देने आई थी। नमस्कार, मैं पूपी छोटा सा कोरियोग्राफर हिंदी भोजपुरी का, मैं इसमें कोरियोग्राफर हूँ, और ये राम जी जो है हमारे बड़े भाई की तरह है, और मैं काफ़ी साल से इनके साथ में जुड़ा हूँ, और इनका जो भी काम होता है जैसा भी होता है हम इनके साथ में जुड़े रहते हैं हमेशा के लिए। तो मुझे इस फिल्म में एक नया सा काम मुझे अभी शुरू कर रहे हैं और दे रहे हैं मुझे, मुझे बहुत खुशी है हमारे भाई की तरफ से, जो हमें मतलब इसमें एक जो भी है एक दो चार गाना जो भी मुझे करना है। सर आप बताइए इस फिल्म में आपका क्या किरदार? इसमें हमारा हीरो का किरदार है, पहले कि दो हीरो हैं, मैं हूँ और रोहित जी हैं, दोनों जने किरदार अच्छी है और अच्छा निभाने की कोशिश कर रहे हैं फिल्म का। कितना अलग किरदार होगा इसमें आपका? कितना किरदार बोले तो अभी दर्द वाला ही मेरे लिए सूट करता है, जितना मतलब सीन है वही अच्छा लगता है हमको करने में। इस फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड है? बहुत जास्ती, इतना पसंद है फिल्म देख के, मतलब कि करने का चाहत और पड़ गया है, जितना करें उतना कम है। जी राम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हीरो हैं इनको, आप किस तरह प्रेजेंट करने वाले हैं फिल्म को लेके, क्या कहना चाहेंगे? हीरो है और एक बेहतर इंसान है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एक बेहतर इंसान भी है, छोटे भाई है, और तो इसमें दोनों भाई मेरे एक साथ में काम कर रहे हैं, तो छोटा भाई मेरा रोहित राज यादव, ऊपर से मेरे प्रिय बड़े अजीज राधे भाई, तो ये बड़े मतलब दिल के करीब है मेरे बंदे, और इनके साथ में काम कर रहा हूँ तो बड़ा मजा आएगा काम करने में, और इमोशन जुड़ा हुआ है और इमोशनल फिल्म है। राम जी ये बताइए कि जितने लोग यहाँ आए सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, ऐसी क्या मोहिनी मंत्र दिए आपने? मोहिनी मंत्र नहीं है, ये उनका बड़प्पन है, कोटी कोटी प्रणाम सबको, और आवाज आ रही कहीं से कि कोटी कोटी प्रणाम है, तो सीरियसली आप जब किसी को इज्जत देंगे तो वो आपको इज्जत देगा, और जो आदमी खुद बहुत अच्छा होता है वो दूसरों को भी अच्छा ही समझता है, तो जैसी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। फिल्म के एक और हीरो है रोहित राज यादव जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रोहित राज यादव मेरे छोटे भाई है, और बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही डैशिंग हीरो है, और लगातार बैक टू बैक हम लोग फिल्में कर रहे हैं साथ में। इस फिल्म को देखकर के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से ये कहूंगा कि इस फिल्म में, जबकि मेरा जोनर एक्शन का, एक्शन फिल्म में, क्योंकि मैं खुद भी एक्शन में रहा हूँ, तो एक्शन फिल्म में बहुत ज्यादा किया हुआ है, लेकिन इमोशन ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें इमोशन बहुत ज्यादा इस फिल्म में, और बहुत ही इमोशनल फिल्म है जो आपको रुला देगी, और आपके रिश्तों को, माँ बाप के हो, भाई बहन के हो, आपके परिवार में जो भी रिश्ते होते हैं उसको एक बहुत ही दिल को टच कर देगी, आपको महसूस करेगी अंदर तक कि हाँ रिश्ते ऐसे भी होते हैं और इनको ऐसे निभाना चाहिए। जी, थैंक यू।